मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचने वाले कुकुरमुत्ते, ये गधे के बच्चे, मैं ये समझता हूं इनको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। और ये पूरा हिंदू समाज के ये उस हिंदू समाज का ठेकेदार बन रहे हैं जो वो हिंदू समाज है ही नहीं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, और प्रदेशों में प्रदेश सरकार, जब गाजियाबाद में ये कांड हुआ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इनको जल्द से जल्द सजा देना चाहिए और इनको काल कोठरी में डालना चाहिए। बहुत देर इन पे चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। इनका जो षड्यंत्र है, खड़यंत्र है, ये सब इस्लामिक एजेंट है, इस बात को समझना चाहिए। ये कभी बौद्ध धर्म के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी तमाम धर्मांतरण के नाम पे इस तरह के ये कांड कर रहे हैं। अब कांड ये क्या कर रहे हैं, अब बौद्ध के नाम पे कांड कर रहे हैं। और ये जहां इस तरह के पाखंडी मिले, इनको जूतों से लतियाने की आवश्यकता है, इनको डंडों से मारने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत भूमि कृष्ण की और राम की है, और भगवान राम और भगवान कृष्ण विष्णु अवतार है, और ये हमारे देवी देवताओं का बिल्कुल रोज अपमान कर रहे हैं। ये अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा देश दिवाली के इस महा उत्सव में जो है लाखों दिए जला रहा अयोध्या में और अपने अपने घरों में दिवाली मना रहा है, उस दिवाली के महा उत्सव पर इतने बड़े उत्सव और मंगल कार्य पर जो है वही गाजियाबाद के अंदर सम्यक समाज संघ का एक संगठन ने राजरत्न अंबेडकर और राजेंद्र पाल गौतम के तर्ज पर उसी तरीके से वहां पर जो सम्यक समाज संघ करके है वो गाजियाबाद में उसी तरीके से 22 प्रतिज्ञाएं लेता है और बार बार ये कहता है कि विष्णु भगवान का कोई अवतार नहीं है, गणेश लक्ष्मी कोई भी भगवान नहीं है और मैं इनको नहीं मानूंगा। इस तरह की वहां पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। और जब पूरा देश नहीं बल्कि विश्व भगवान राम के आने का जो एक उत्सव उस सब काल में मनाया गया होगा और आज भी उस काल को हम मनाते हैं, हमारी इस प्रकृति के देन, इस शुद्धता, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव का आह्वान करते हैं, भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं, धन्य धान्य की परिकल्पना करते हैं, जिसके एक नहीं हजारों लाखों साक्ष्य हैं, वहीं पे ये कुछ कॉकरोच, कुछ ये मतलब मैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ये राक्षस ये यज्ञ में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। और ये कोई हिंदू नहीं है, ये चाहे राजरत्न अंबेडकर हो या आपका ये राजेंद्र पाल गौतम हो या इस तरह के जितने भी आपने देखा दिल्ली के अंदर ये शपथ इन्होंने इस तरह से 22 प्रतिज्ञाएं ली। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध कोई धम्म नहीं है, धम्म कहीं भी कोई कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। पंथ बुद्ध एक पंथ है जो हिंदू का ही ब्रांच है, सनातन का ही ब्रांच है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे देश में धर्मांतरण का जिस तरह से खेल चल रहा था और धर्मांतरण का खेल में कहीं ना कहीं इनको लगता है कि योगी मोदी जैसे अवतार हैं, देश में हिंदू सनातनी राज चल रहा है और आने वाला वक्त जो है विधर्मियों का नाश कर देगा, तो वही विधर्मी, वही अब्दुल इमरान, वही इस्लामिक एजेंट, वही लोग जो है आज भेष बदल के और बौद्ध के रूप में और भगवा लेकर, भगवा चोला ओढ़कर और कहते हैं कि हम भगवान विष्णु को नहीं मानेंगे, हम गौरी गणेश को नहीं मानेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ इतना ही विनम्र निवेदन करेंगे सरकार से भी कि इस तरह के जितने भी राक्षस हैं आज के काल में, इन राक्षसों को उस काल कोठरी में डालने की आवश्यकता है। आप ये कहते हैं, ये अगर इनको इतना ही अपने इस पाखंड पे विश्वास है, ये 22 प्रतिज्ञाओं पे भरोसा है, तो क्यों नहीं, क्यों ऑस्ट्रेलिया भाग गया वो अपना पीठ दिखाकर राजरत्न अंबेडकर। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचने वाले कुकुरमुत्ते, ये गधे के बच्चे, मैं ये समझता हूं इनको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। और ये पूरा हिंदू समाज के ये उस हिंदू समाज का ठेकेदार बन रहे हैं जो वो हिंदू समाज है ही नहीं, वो पहले से ही ऑलरेडी षड्यंत्र का हिस्सा है। कुछ मुट्ठी भर लोग एक सभा करके, तुमको छोड़ना है, कोई धर्म त्यागना है, कोई चीज करना है, तुम भाई अपना करो ना, तुम उसको प्रोपोगंडा क्यों कर रहे हो। तो ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, और प्रदेशों में प्रदेश सरकार, जब गाजियाबाद में ये कांड हुआ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इन विधर्मियों पर कार्रवाई कर देश में एक ऐसा
जो है मैसेज जाए कि ये जो विधर्मी कर रहे हैं गली गली में, ये न कर पाए और इन पे रोक लग पाए। जहां तक हिंदू आर्मी की बात है, हिंदू आर्मी अपने तरीके से, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, भीम आर्मी हो या बामन मेश्राम हो, ये आज से नहीं बहुत वर्षों से लगे हुए थे, और लेकिन अब इन्होंने एक नया रूप पकड़ लिया है कि हम इस्लामिक एजेंट के रूप में काम तो करेंगे, हम इस देश में गजवाए हिंद लागू करने का काम करेंगे, लेकिन अब हम भगवा चोला ओढ़कर बौद्ध धम्म का प्रचार करेंगे। जबकि धम्म नहीं है वो, बौद्ध एक पंथ है, बौद्ध एक पंथ है, सिद्धार्थ हिंदू थे, ठीक है, उन्होंने एक जीने का जीवन शैली बनाया, और कहीं भी उसमें इस तरह के जो शब्द ये प्रयोग करते हैं, कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, इस तरह का कोई भी जो है प्रतिज्ञा कर्मकांड नहीं है, लेकिन ये सब जो विधर्मी है भेष बदल के, और आज हमें इसी तरीके से हिंदुओं को हमें खंडित करने के लिए हमारे इस पवित्र त्योहार पर, हमारे इस एक ऐसी परंपरा और संस्कृति को खंडित करने का ये काम कर रहे हैं। इनको जल्द से जल्द सजा देना चाहिए और इनको काल कोठरी में डालना चाहिए, बहुत देर इन पे चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। इनका जो षड्यंत्र है, खड़यंत्र है, ये सब इस्लामिक एजेंट है, इस बात को समझना चाहिए। ये कभी बौद्ध धर्म के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी तमाम धर्मांतरण के नाम पे इस तरह के ये कांड कर रहे हैं। अब कांड ये क्या कर रहे हैं, अब बौद्ध के नाम पे कांड कर रहे हैं, ठीक है, बौद्ध के नाम पे कांड कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि इनपे नकेल कसने की आवश्यकता है, और ये जहां इस तरह के पाखंडी मिले, इनको जूतों से लतियाने की आवश्यकता है, इनको डंडों से मारने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत भूमि कृष्ण की और राम की है, और भगवान राम और भगवान कृष्ण विष्णु अवतार है, और ये हमारे देवी देवताओं का बिल्कुल रोज अपमान कर रहे, ये आप बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और ऐसा ना हो कि जो है एक दिन सब्र का बांध टूट जाए और इन दरिंदों को, इन राक्षसों को, इन भेड़ियों को, इन कॉकरोचों को, इन कुकुरों के बच्चों को, इनको वो सजा हिंदू आर्मी और भारत सरकार दे कि ये कभी समझ ना पाए। जहां तक ये टुटपुंजिये जो इस तरह के अपने आप को तथाकथित अंबेडकर के पोता प्रपोता नौटंकी कहता है, राजेंद्र अंबेडकर भगोड़ा है, कैसी शकल बनाया जानवरों जैसी शकल बना के चलता, आपने देखा होगा, उस ये इस तरह से आग लगाने का काम जो इस्लामिक चरमपंथी फंड है, बाहरी ताकतें हैं, उनके फंड पे भारत को इस तरह से खंडित करने का काम, तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम ये सब कर रहे हैं। तो ये इस हथकंडों को रोकने के लिए हिंदू आर्मी सरकार से ये अपील करती है और सरकार से ये मांग करती है कि इस तरह के कार्यक्रमों में तुरंत बैन लगाया जाए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया जाए, और कानून बनने में देरी भी हो तब तक इन जैसे जितने भी ये कुकुरमुत्ते हैं, ये बरसाती मेढक हैं, इनको जो है बंद कर दिया जाए और इनको जेल की काली कोठरी में डाल दिया जाए, इन पे कानूनी शिकंजा जो है गढ़ दिया जाए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले लेकर और बेच रहे हैं और उनका नाम को बदनाम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोई संविधान बनाई थी, उस संविधान से देश चलता है, और उसी संविधान पे पहले पन्ने पे भगवान राम का और राम दरबार का चित्र है। इससे ये साबित होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहीं भी हिंदू धर्म से विमुख नहीं थे, वो एक जीवन जीने की शैली है बुद्ध पंथ भाई, तो उसको जो है हम भी अपना सकते हैं, और हम बुद्ध को भी मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मानते हैं, हमारे इतिहास मानता है, और हमारा वो अभिन्न अंग है, हमारे दलित भाई जैसे हमारे हिंदू के अभिन्न अंग है, ये हमें खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस खंडन को रोकना होगा। यही आह्वान, यही अपील, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दीपावली, जय श्री राम, भारत माता की जय, ओम श्री गणेशाय नमः, जय लक्ष्मी नमः, वंदे मातरम, जय हिंदू।